श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के मेरे पास ढेरों प्रश्न आ रहे थे कि दीदी, अगर हम कोई भी सुहाग की सामग्री माता को अर्पित करते हैं, हम घर में पूजन करते हैं, उसके बाद उस सुहाग की सामग्री का क्या किया जाता है? क्या हमें ये सुहाग की सामग्री पंडित जी को दे देनी चाहिए या किसी अन्य महिला को दे देनी चाहिए? तो आज मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो भी आपने श्रृंगार की यहाँ पर सामग्री अर्पित की है माता रानी को, या जब भी आप पूजा करते हैं अपने घर में और सुहाग की जो भी सामग्री आप अर्पित करते हैं, उसका आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब आप माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, तो यह जब आपका पूजन समाप्त हो जाता है, तो जिस तरह से हम पूजा में प्रसाद रखते हैं, और प्रसाद का महत्व हमारे परिवार के लिए बहुत ज्यादा होता है, उस प्रसाद को हम अपने घर में बांटते हैं, उसी तरह ये सुहाग की सामग्री माता रानी का आशीर्वाद और माता रानी का प्रसाद स्वरूप ही होती है। तो इसे आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को देना नहीं चाहिए। परंतु किसी परिस्थिति में, देखिए, हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारी कई बार हमारे पास सामग्री इकट्ठी हो जाती है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो सिंदूर है, हमने जो सिंदूर माता रानी को अर्पित किया है, थोड़ा सा सिंदूर माता रानी के लिए रख दीजिए, और थोड़ा सा सिंदूर आप यदि मांग भरते हैं, आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, या किसी विशेष पूजन में, जैसे कि अगर आपने घर में कोई विशेष पूजा करी है, उसमें सिंदूर को प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आपके पास सिंदूर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो किसी विशेष तिथि पर, जैसे अष्टमी हो गई, नौमी तिथि हो गई, माता रानी की कोई अन्य तिथियां होती हैं, तो उसमें आप इस सुहाग की सामग्री के सिंदूर जो आपने अर्पित किया है सुहाग सामग्री में, उस सिंदूर को आप अन्य महिलाओं को बांट भी सकते हैं, परंतु अपना यूज किया हुआ सिंदूर ना दें। ये जो साफ सिंदूर होता है, इसी को ही बांटा जाता है प्रसाद के रूप में, जिससे कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुहाग की लंबी उम्र होती है। इसके बाद यदि आप कोई ब्लाउज पीस या फिर माता रानी को कोई चुनरी या साड़ी अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, मैंने कुछ वीडियो में सुना है कि आप नहीं ज्यादा महंगी सामग्री लेते हैं माता रानी के लिए, नॉर्मल सस्ता सामान ले आइए, या बहुत सी वीडियो में मैंने सुना है, क्योंकि कोई भी चीज, देखिए, मैं मन से कभी भी नहीं बताती हूँ, परंतु आप एक चीज का मुझे उत्तर दीजिए, क्या आपको लगता है आपको कोई सस्ती चीज देगा और आपको उससे खुशी मिलेगी? अपना सामर्थ्य है यदि आपका, तो आप अच्छी से अच्छी चीज ही माता रानी के लिए लेकर आए। सामर्थ्य नहीं है तो केवल एक चीज लेकर आए, परंतु वे अच्छी लेकर आए। तो आपको सिंदूर की बता दी मैंने आपको कि क्या करना है। इसके बाद जो चुनरी है माता रानी के लिए लाए हैं, तो माता रानी को चढ़ा दीजिए। कोई साड़ी आप लेकर आए हैं, जैसे कि आपको पता होगा, आप करवा चौथ पे हम नई चीजें पहनते हैं, तो आप माता रानी को अर्पित जो आपने की है, आप अपने लिए संभाल के रख लीजिए। जब आपको किसी नए श्रृंगार की आवश्यकता है, तब आप उसका यूज कर लीजिए। जैसे नेल पेंट, तो क्या होता है, सूख जाती है, तो नेल पेंट आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड को, या आपकी कोई बहन है, आपकी सास है आपके घर में, आप उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। या मैं कई बार क्या करती हूँ, जब मैं बहुत सारी, जैसे मैंने अष्टमी की जब पूजा करी थी, या अभी शिवरात्रि में पूजा करी थी, तो मैं 4 बार का श्रृंगार माता रानी के लिए लेकर आई थी, कि मैंने सुबह भी चढ़ाया था, शाम में भी चढ़ाया था, फिर अगली सुबह की जब पूजा करी थी तब भी चढ़ाया था, वो श्रृंगार बहुत सारा इकट्ठा हो गया। तो हमारे यहाँ जो मेड आती है, जो लोग काम करते हैं, या जो सुहागन स्त्री होती है, आप उन्हें भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद काजल, लिपस्टिक, ये जो मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र तो मैंने माता रानी के नाप का ही बनवाया था, तो मैं माता रानी को ही पहनाने वाली हूँ। इसके बाद जो काजल और जो मैंने लाइनर लिया है, उसे मैं, मतलब, नया का नया रख दूंगी, जब करवा चौथ आएगा तब मैं निकाल लूंगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो खराब हो जाती है, कुछ चीजें खराब नहीं होती है, तो आप अपने लिए प्रयोग के लिए भी ला सकते हैं। पहले माता रानी को प्रसाद स्वरूप, जैसे हम घर में कोई चीज चढ़ाते हैं पहले माता रानी को, तो प्रसाद स्वरूप आप चढ़ाएं श्रृंगार का सामान, उसके बाद आप अपने सगे संबंधियों को भी दे सकते हैं। जैसे बिंदी रखी है मैंने यहाँ पर, मेहंदी का कोण है, ये सारी चीजें आप गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को, और खुद के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सेट दिख रहा होगा, मैंने लाल रंग का माता रानी को अर्पित किया है, ये भी आप आगे आने वाली पूजाओं में खुद भी पहन सकते हैं, या आप माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं, आप उन्हें भी पहना सकते हैं। यहाँ पे कंघी, चूड़ी वगैरह, चूड़ियों को आपको क्या करना चाहिए, एक एक प्रसाद स्वरूप खुद पहनना चाहिए, और बाकी की अगर आपके आसपास कोई महिलाएं हैं, आप उन्हें गिफ्ट करें। देखिए, अगर बहुत सारी सामग्री हो जाती है आपके पास, क्योंकि क्या होता है, हम कितनी सामग्री को इकट्ठा करेंगे, तो आप कुछ सामग्रियों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। देखिए, प्रसाद स्वरूप जब आप किसी को देते हैं, तो कोई मना ही नहीं करता है,
तो यहाँ पर मैंने क्लचर और ये जो भी चीजें रखी है ये सब मैं गिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे ये हेयर पिन है, इसको भी मैं गिफ्ट करने वाली हूँ। मिरर वगैरह, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम खुद तो प्रयोग करते ही करते हैं, साथ में आपको अन्य लोगों को दे देना चाहिए। अब जैसे चांदी की पायल भी बिछिया है, अब आपको सोचती है माता रानी तो इतनी बड़ी पायल या बिछिया पहने की नहीं, मैंने चांदी की यहाँ पर अर्पित कर दी है माता रानी को, इसके बाद जब मुझे जरूरत होगी तब मैं इन्हें पहन सकती हूँ। क्योंकि क्या रहता है, जब हम माता रानी को कोई चीज अर्पित करते हैं उस चीज की, उस वस्तु की जो महत्वता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको इन सभी चीजों को जब आप माता रानी को अर्पित करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया जो सिद्ध ये मंगलसूत्र है, तो इसको तो मैं माता रानी को पहना दूंगी और बची हुई बाकी चीजें कुछ मैं गिफ्ट कर दूंगी सभी को। और कुछ चीजें जैसे कि जो हार है, चूड़ियां हैं जिसमें से दो चूड़ियां बिंदी, ये कुछ चीजें मैं अपने लिए रख लूंगी। तो आप जब भी कहीं जाते हैं आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप अवश्य रूप से लाकर रख लीजिए उस कोरी चीज को। जब आप कोई विशेष पूजा या कुछ भी त्योहार होता है तब आप माता रानी को या जिस भी माता को आप समर्पित करना चाहते हैं उन्हें अवश्य रूप से चढ़ा दें, उसके बाद आप चाहे तो गिफ्ट कर दे चाहे तो खुद के लिए रख लीजिए। तो आपको इन चीजों का ऐसे प्रयोग करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि माता रानी के लिए हम ठीक है एक बार ही तो चढ़ानी है कि कुछ भी ले आओ, कभी भी आप ऐसा ना करें, एक चीज लाएं पर अच्छी लाएं, मेरा मानना यही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी बात से आप भी अग्री करते हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। और यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाकर शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।